गुमला जिले के रामनगर निवासी समर्थक साहू की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक कुएं का पानी सुखाने के लिए गए थे। इस दौरान बिजली की टोलू मशीन के तार के करंट में चपेट में आने से ही मौके पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। अपना कुआं को पटाने के लिए पानी उठवाने आए थे, उसी बीच में हादसा हो गया, करंट लग गया, डेथ हो गया। गाँव एक आदमी जो बड़े यार साहब हैं वही आए थे, अपना कुआं भी उनका खुला रहा है देखने के लिए, वही बीच में इनको देखे तो वहाँ गिरा पड़े हुए हैं, तो फिर खबर लगा। 1.5 घंटा तो वहीं पड़े हुए थे, उनको तो जानकारी नहीं था। घर के आदमी तो जान रहे थे कि वहाँ गए हैं, तो ऐसा हादसा हो गया उसको किसी को जानकारी नहीं। नालंदा में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी वारदात अंजाम देने का मामला सामने आया है। घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां मंटू नामक युवक के दादा की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दबंगों ने उसी घर में हमला कर मंटू को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मंटू अपने दादा के श्राद्ध कर्म में शिरकत करने के बाद अपने गाँव चंदौरा आ रहा था, तभी दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक आगामी पंचायत चुनाव में मुखिया के पद का चुनाव लड़ने वाला था, जिसके कारण हत्या की बात सामने आ रही है। मधुबनी जिलाधिकारी अमित कुमार क्रॉप कटिंग अभियान के तहत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के घेपुरा गांव स्थित गेहूं के खेत का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं की कटाई कर फसल उपज का जायजा लिया। बता दें कि घेपुरा गांव में किसान प्रभात कुमार के गेहूं के खेत में डीएम ने अपने हाथ में खुद हसिया लेकर गेहूं की कटाई की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के प्रत्येक अनुमंडल में एक गेहूं के खेत से कटाई कर नमूने के तौर पर फसल उपज का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे।